गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने आवर्त सारणी के बारे में बात की थी और यहाँ पर आपको आवर्त सारणी का आधुनिक प्रारूप है वो दिखाया था और उसमें अपन ने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो व्यवस्था है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वर्ग होते हैं, किस प्रकार से आवर्त होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से आवर्त सारणी को उपकोषों के आधार पर चार ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। आज देखिए, अपन पहले की क्लास में बता चुके हैं कि परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के नाम है वो IUPAC ने निर्धारित कर रखे हैं और वो IUPAC नामकरण है वो किस प्रकार से है वो आपको करने के लिए भी दिए थे, उन पे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 100 या 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC नाम के लिए जीरो का संकेत लिखा जाता है नील, एक का संकेत अन, दो का संकेत बाई, तीन का संकेत ट्राई, चार का क्वाड, पांच का पेंट, छः का हेक्स, सात का सेप्ट, आठ का ऑक्ट, नौ का इन, ठीक है, ये संकेत काम में लिए जाते हैं और लास्ट में जोड़ा जाता है IUM, लास्ट में जोड़ा जाता है IUM, ठीक है। और यदि दो आई लगातार आते हैं तो वहां पे एक ही आई है वो लिखा जाता है। आपको परमाणु क्रमांक 104 तक के नाम बता दिए थे, परमाणु क्रमांक 100 वाले का एक के लिए अन, जीरो के लिए नील, फिर से जीरो के लिए नील और लास्ट में ईएम। तो 100 वाले का हो गया अन नील नीलियम और इसको शॉर्ट में UNN, एक के अन का U, जीरो के नील का N, फिर से जीरो के नील का N, ठीक है। इस प्रकार से 101 वाले का अन नील अनियम UNU, 102 वाले का अन नील बायम UNB, 103 वाले का अन नील ट्राइयम UNT, 104 वाले का अन नील क्वाडियम UNQ, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक 104 तक के IUPAC नामकरण है वो हो गए थे। आज अपन इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, अपन परमाणु क्रमांक 105 वाले का नाम लिखते हैं, एक के लिए अन, जीरो के लिए नील और पांच के लिए पेंट और लास्ट में ईएम। तो 105 वाले का हो गया अन नील पेंटियम, इसका शॉर्ट में संकेत हो जाएगा UNP। इसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 106 वाले के लिए अन नील 6 का संकेत हेक्स, तो इसका हो जाएगा अन नील हेक्सियम UNH, ये 106 वाले के लिए संकेत हो जाएगा। 107 वाले के लिए एक के लिए अन, जीरो के लिए नील, सात के लिए सेप्ट और आगे ईएम। तो 107 वाले का हो जाएगा अन नील सेप्टियम, इसका शॉर्ट में संकेत हो जाएगा UNS। एक सौ आठ वाले के लिए
अन्न, नील आठ के लिए ऑक्ट, और लास्ट में ईएम, अन्न नील ऑक्टियम, यू एन ओ। परमाणु क्रमांक 109 वाले के लिए एक के लिए अन, जीरो के लिए नील, और नौ के लिए इन, और लास्ट में ईएम। तो अन नील इनियम, इसका हो जाएगा यू एन ई। और फिर परमाणु क्रमांक 110, अब 110 वाले के लिए देखिए, एक के लिए अन, फिर से एक है, फिर से अन, जीरो, नील, और लास्ट में ईएम। तो 110 वाले का हो गया अन अन नीलियम, इसका हो जाएगा यू यू एन। तो ये परमाणु क्रमांक 110 तक के तत्वों के आईयूपीएसी नाम हो गए और उनके संकेत हो गए। ठीक है, आपको जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के जो आईयूपीएसी नाम है, वो जो ब्रैकेट में ये जो संकेत लिखे गए हैं इनमें मिलेंगे। ये पूरे नाम नहीं मिलेंगे, केवल ये संकेत मिलेंगे आपको। ठीक है ना, जैसे 110 वाले का आपको मिलेगा यू यू एन, इस प्रकार से। परमाणु क्रमांक 111 वाले का अन अन अनियम, तीन एक एक है तो अन अन अनियम, तो यू यू यू, पहला यू कैपिटल, बाद वाले स्मॉल। फिर परमाणु क्रमांक 112 वाले के लिए अन अन दो के लिए बाई, और लास्ट में ईएम। दो आई लगातार आते हैं तो केवल एक ही आई लिखा जाएगा। तो 112 वाले का अन अन बाईएम, यू यू बी। फिर परमाणु क्रमांक 113 वाले के लिए अन अन ट्राइम, इसका हो जाएगा यू यू टी। फिर 114 वाले के लिए अन अन क्वाडियम, यू यू क्यू। 114 वाले के लिए अन अन क्वाडियम, यू यू क्यू। 115 वाले के लिए अन अन पेंटियम, यू यू पी। 116 वाले के लिए अन अन हेक्सियम, यू यू एच। 117 वाले के लिए अन अन सेप्टियम, यू यू एस। 118 वाले के लिए अन अन ऑक्टियम,
यू यू ओ एक सौ उन्नीस वाले के लिए अन अन एनियम यू यू ई और परमाणु क्रमांक 120 वाले के लिए अन बाई निलियम एक के लिए अन दो के लिए बाई जीरो के लिए नील लास्ट में ईएम अन बाई निलियम ये हो जाएगा यू बी एन ठीक है। तो इस प्रकार से अपन परमाणु क्रमांक 100 या उससे अधिक वाले तत्वों के लिए आईयूपीएसी नाम और उनके संकेत लिखते हैं ठीक है। अब देखिए अब अपन मुख्य आवर्त सारणी में जो सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक उसकी बात करते हैं। एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। तो एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उनमें सभी में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है एस उपकोष में भरा जाता है इसलिए इन तत्वों को कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक में दो वर्गों को शामिल किया जाता है प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग। तो एस ब्लॉक में दो वर्गों को शामिल किया जाता है पहले वर्ग को और दूसरे वर्ग को ठीक है। अब देखिए यहां पे जो पहला वर्ग है वो इस प्रकार से होता है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम इनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। इस वर्ग के तत्वों को याद करने के लिए ये लाइन काम में ले सकते हो हलीना की रब से फरियाद तो इस वर्ग के तत्वों के संकेत आप याद रखने के लिए इस लाइन को काम में ले सकते हो हलीना की रब से फरियाद है एच हाइड्रोजन ली एल आई लिथियम ना एन ए सोडियम की के पोटेशियम रब आरबी रुबिडियम से सी एस सीजियम
फरियाद एफ आर फ्रेंसियम, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब अपन देखेंगे पहले वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक। आपको परमाणु क्रमांक के लिए मैजिक नंबर बताए थे 2, 8, 8, मैजिक नंबर बताए थे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर थे। अपन ने कहा था यदि किसी वर्ग में 7 तत्व होते हैं तो अपन सभी 6 मैजिक नंबर को काम में ले सकते हैं परमाणु क्रमांक के लिए। तो यहां पे देखो पहले वर्ग में 7 तत्व है तो अपन परमाणु क्रमांक के लिए इन 6 मैजिक नंबर को काम में लेंगे। अब वर्ग के पहले का परमाणु क्रमांक अपन को पता होना चाहिए, तो यहां पहले वर्ग का पहला तत्व है हाइड्रोजन जिसका होता है परमाणु क्रमांक 1। अब 1 में जोड़ देंगे पहला मैजिक नंबर 2, तो 1 और 2, 3 हो गए, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया 3। फिर 3 में जोड़ देंगे दूसरा मैजिक नंबर 8, 3 और 8 हो गए 11, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11। फिर 11 में जोड़ देंगे तीसरा मैजिक नंबर 8, 11 और 8, 19, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो गया 19। फिर 19 में जोड़ देंगे चौथा परमाणु क्रमांक मैजिक नंबर 18, 19 और 18, 37, तो रूबीडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 37। फिर 37 में जोड़ देंगे पांचवा मैजिक नंबर जो है फिर से 18, तो 37 और 18, 55, तो सीजियम का परमाणु क्रमांक हो गया 55। फिर 55 में जोड़ देंगे छठा मैजिक नंबर 32, 55 और 32, 87, तो जो इसका लास्ट तत्व है फ्रेंसियम इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 87, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इस वर्ग के तत्वों के परमाणु क्रमांक पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला वर्ग है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1, यानी इनका जो बाह्यतम s उपकोष होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अपने कहा ना एस ब्लॉक के सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, एस उपकोष में। अब एस उपकोष में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो जो पहले वर्ग के जो तत्व हैं उनके बाह्यतम एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS1। तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1, ठीक है। लिथियम है, लिथियम के पास में स्थाई गैस होती है हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में हो गए। और फिर तीसरा लिथियम, तो इसका होगा हीलियम 2s1। फिर सोडियम, सोडियम के पास स्थाई गैस होती है नियोन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, 3s1, तो सोडियम का हो गया नियोन 3s1। पोटेशियम, पोटेशियम 19 पे और इसके पास स्थाई गैस ऑर्गन 18 पे और आगे 4s में 1। फिर रूबीडियम, रूबीडियम होता है 37 पे
इसके पास स्थाई गैस क्रिप्टॉन 36 पे और फिर 5s1 36 और 1 37 हो गए, तो रूबीडियम 37 पे आता है। सीजियम 55, इसके पास स्थाई गैस होती है जीनोन जो कि होती है 54 पे, आगे 6s1 ठीक है। फिर फ्रेंसियम 87 पे, इसके पास स्थाई गैस होती है रेडोन जो कि होती है 86 पे और आगे 7s1 ठीक है। तो ये इनके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप देख सकते हो इनके बाह्यतम s में सभी में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns1। अब देखिए हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष है पहला, लिथियम का बाह्यतम कोष दूसरा, सोडियम का बाह्यतम कोष तीसरा, पोटेशियम का बाह्यतम कोष चौथा, रुबिडियम का बाह्यतम कोष पांचवा, सीजियम का बाह्यतम कोष छठा और फ्रेंसियम का बाह्यतम कोष सातवां है ना। यानी अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है। अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोषों की संख्या है वो लगातार बढ़ती है। तभी हाइड्रोजन का 1s1, लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1, फ्रेंसियम का 7s1। आगे जो संख्या लगी होती है वो किसको बताती है, कोष को। तो ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ठीक है। अब ये जो पहला वर्ग है इसको कहा जाता है क्षारीय धातु वर्ग। पहले वर्ग को क्या कहा जाता है, क्षारीय धातु वर्ग कहा जाता है। यदि यहां पे हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को, बाकी जो तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारी कहलाती है क्षारीय धातुएं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारी क्या है, क्षारीय धातुएं हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं। कारण है इन धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं, इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, FrOH। अपन पता है कि NaOH और KOH अपन इनको क्या कहते हैं, प्रबल क्षार। तो इनके हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए जो पहले वर्ग के जो तत्व हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहा जाता है। इसलिए पहले वर्ग को कहते हैं क्षारीय धातु वर्ग ठीक है।
अब हाइड्रोजन है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s में होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। इस आधार पे अपन इसको पहले वर्ग में शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनसे समानता दर्शाता है। लेकिन हाइड्रोजन अपन को पता है धातु नहीं होता, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन को अपन क्षारीय धातु नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो इसके तत्व हैं वो क्या है, क्षारीय धातु है, ठीक है। हाइड्रोजन है उसकी स्थिति आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है। तो हाइड्रोजन है उसकी स्थिति आवर्त सारणी में निश्चित नहीं होती। अपन ने इसको पहले वर्ग में शामिल किया है किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, लेकिन इसके सारे गुण इनसे समानता नहीं दर्शाते। जैसे बाकी सारी की सारी क्या है, धातु है, लेकिन हाइड्रोजन धातु नहीं होता, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की स्थिति आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके एस ब्लॉक का पहला वर्ग हो गया जिसको क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। अब आप यहां देख सकते हो कि पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दें, ये यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो ये किसका विन्यास ग्रहण कर लेंगे, अपने पास वाली स्थाई गैस का, है ना। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस एक अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पास वाली स्थाई गैस का विन्यास ग्रहण करके स्थाई हो जाते हैं। इसलिए पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण अंक, पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, प्लस एक होता है, ठीक है, समझ गए। देखो इनके बाह्यतम कोष में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये अपने पास वाली स्थाई गैस का विन्यास ग्रहण करके क्या हो जाएंगे, स्थाई हो जाएंगे। इसलिए इन सभी पे पाया जाता है प्लस का एक। अपन को पता है हाइड्रोजन पे प्लस एक होता है, लिथियम पे प्लस एक होता है, सोडियम पे प्लस एक होता है, पोटेशियम पे प्लस एक होता है, इन सभी पे प्लस एक पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपने एस ब्लॉक का पहला वर्ग हो गया क्षारीय धातु वर्ग, ठीक है। जो एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग है वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।